हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। 2020 में जो जून या जुलाई में जो नेट या JRF का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके फर्स्ट पेपर की एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए स्टडी कराई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, उसके लिए भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके लिए भी आप लोगों के लिए सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कराई जाएगी। हालांकि अभी वीडियो सोशियोलॉजी के नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर के आने शुरू हो चुके हैं, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है उसके वीडियोस आने शुरू हो चुके हैं। सोशियोलॉजी के कुछ दिनों बाद आएंगे, ठीक है। उस पर ध्यान दिया जाएगा जो पिछले बार हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, जैसे कि जो थिंकर्स कुछ बच गए थे उनको ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो करंट अफेयर्स है आजकल, जो आप लोगों के क्वेश्चंस जो आप लोगों ने देखे हैं सब्जेक्ट में जो सोशियोलॉजी के आपके आए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। और जो न्यू बुक्स आ रही हैं उस पर भी ध्यान दे के वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। तब तक आप लोग अगर नए हैं और जितने भी पुराने हैं, अगर इन्होंने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, कुछ बाकी हो गया था, तो प्लेलिस्ट्स में जाइए, जितने भी वीडियोस हैं उनसे स्टडी कीजिए, पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए। अभी आपके पास काफ़ी समय है। आप लोग देख रहे हैं, जिन्होंने दिया है उन्होंने देखा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट पेपर हो या फिर सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हो, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। पूरा चेंज नहीं हुआ, हाँ कुछ हद तक जो है टफ ज़रूर कह सकते हैं उसे। तो प्लीज़ अभी से जुट जाइए, जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनके नोट्स बनाइए और उनका पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। इधर जो फर्स्ट पेपर के आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें हम लोग हायर एजुकेशन अभी देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अभी फर्स्ट पेपर की वीडियोस जो इधर 2020 वाली आने शुरू हुई उनको नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए और नोट्स बनाना शुरू करिए और साथ ही पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं दूरवर्ती शिक्षा देखने वाले हैं, यानी डिस्टेंस एजुकेशन क्या है ये देखने वाले हैं, ठीक है। हालांकि ये पूछते नहीं हैं कभी कि डिस्टेंस एजुकेशन होता क्या है, लेकिन जानना ज़रूरी है। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो क्या आते थे, ओपन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तब तक फिर भी देख लेते हैं हम लोग है क्या डिस्टेंस एजुकेशन, आ भी सकता है, दे भी सकते हैं, मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है आजकल, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंस एजुकेशन है क्या। ये एक ऐसा अधिगम है जहाँ की परिस्थितियाँ लचीली हों तथा छात्र स्वच्छंद ढंग से सीखने के लिए स्वतंत्र हो। यहाँ छात्र छात्राएँ अपने नियोजन के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, वे अपनी परिस्थितियों एवं सुविधाओं के अनुरूप अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरवर्ती शिक्षा होती है, ये क्या होता है, एक तरीके से शिक्षक और जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके मध्य की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, एक पक्षीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। शिक्षक और छात्र के मध्य ये एक पक्षीय प्रक्रिया है। ओपन लर्निंग को हम देखें तो संप्रेक्षण के जो माध्यम है उसके द्वारा शिक्षा को जो है तकनीक के माध्यमों द्वारा छात्रों के पास जो है जो अधिकतम सामग्री होती है उनको भेजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, पारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया में अभिनव का प्रयोग, सामान्य शिक्षक की उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुति, अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग, ठीक है, साक्षरता का प्रसार प्रसार, गुणात्मक अनुदेशन प्रक्रिया का विस्तार। नेक्स्ट है संप्रेक्षण माध्यमों एवं अधिगम प्रक्रिया में संबंध, अपेक्षित अधिगम स्वरूपों के अनुकूल परिस्थितियों का सृजन, ये सृजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका प्रणाली विश्लेषण उपागम का उपयोग, ठीक है, उपागम ठीक कर लीजिएगा, प्रणाली विश्लेषण उपागम का उपयोग, मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना में योगदान, स्वगति स्वरुचि शिक्षा प्रणाली, ठीक है। अब ये इतना आप लोग बस इसके उद्देश्य देख लीजिएगा, ठीक है, जो विशेषताएं हैं ये देख लीजिएगा और बाकी है क्या, मतलब आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस एजुकेशन होती क्या है, ठीक है। अब भारत में देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, भारत में जो डिस्टेंस एजुकेशन दूरवर्ती शिक्षा है वो आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो दूरवर्ती शिक्षा है इसका प्रारंभ, ये स्टार्ट कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में स्टार्ट हुआ था। उस समय केवल 4 विश्वविद्यालय थे जो अपने दूरस्थ शिक्षा विभागों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने में संलग्न थे, ठीक है। मतलब उस टाइम में जो 1960 थी, उस टाइम में अगर हम बात करें, दशक जो 1960 का था उस समय की अगर हम बात करें, तो केवल 4 विश्वविद्यालय थे, ठीक है, जो डिस्टेंस एजुकेशन था वो जो
शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, अब उनकी मैं बात करें तो ये चार यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी थी ये आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी। जो फर्स्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय पत्राचार माध्यम विभाग 1962, ठीक है। सेकंड जो था पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला पत्राचार विभाग 1968। थर्ड था मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ पत्राचार विभाग 1969। एंड फोर्थ था मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर पत्राचार विभाग। ठीक है, ये आपके चार यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है, ये स्टार्टिंग में थे 1960 के टाइम पर। ये जो चार यूनिवर्सिटीज़ थे जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे उनमें ये चारों का नाम है, इन्हें अच्छे से याद करिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो 1970 दशक था उस वक्त दूरवर्ती शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से संबंध थी। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से संबंध थी, अतः दूरवर्ती शिक्षा पारंपरिक विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ही कार्य करती थी। जो दूरवर्ती शिक्षा थी वह पारंपरिक विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ही कार्य करती थी, किंतु सन 1982 में आंध्र सरकार ने दूरवर्ती शिक्षा के लिए सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की नींव रखी। ठीक है, 1982 में आंध्र सरकार ने दूरवर्ती शिक्षा के लिए सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की नींव रखी। उसके उपरांत सन 1985 में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कर दी। उत्तर प्रदेश ने सन 1999 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो भारत में आपका दूरवर्ती शिक्षा है यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको क्या करना है आपको याद रखना है। ठीक है, याद करना है, इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर हम देखें लाभ देखें तो इसके लाभ क्या हैं। पहला जो है यह सतत शिक्षा प्रदान करने का एक अभिकरण है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में लाभान्वित होता है। यह व्यक्ति को उसके घर में ही शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। यह निरक्षरता उन्मूलन का प्रभावी यंत्र है या व्यावसायिक उन्नति प्रदान करता है। ठीक है, तथा अगर हम दूसरा बात करें कि यह महिलाओं के लिए सर्वसुलभ शिक्षा के अवसर बनाती हैं। ठीक है, यह महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाती है, सार्वभौमिक प्रभाव छोड़ती है, यह संवैधानिक रूप में सभी को शिक्षा के समान अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए आपके लाभ हो गए। जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो भारत में जो डिस्टेंस एजुकेशन का आपने देखा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। ठीक है, और जो 1960 में जो है चार विश्वविद्यालय थे जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे वो कौन कौन से थे। उसके अलावा 1970 के बाद में क्या था, फिर 1982 का आप देख लीजिए आंध्र सरकार वाला, फिर 1988 में जो इंदिरा गांधी वाला था। ठीक है, और यूपी का 1999 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है आपको पता होगा। ठीक है, इसके उद्देश्य लाभ और ये जो था आपको जितना आपको इस वीडियो में दिया है आपको क्या करना है नोट्स बनाने हैं, स्टार्ट कर देना है याद करना। ठीक है, ताकि पेपर के समय आप लोगों के लिए जो है ज़्यादा नोट्स ना हो जाए, सब्जेक्ट का भी हो जाता है, फर्स्ट पेपर का भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा याद हो जाना याद करना पड़ता है आपको, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।